empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, oh, oh. गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन पोकेमॉन यूनाइट। इन दिस वीडियो फाइनली गाइज मैंने मास्टर कर दिया 2 डेज के अंदर अंदर। 2 डेज भी नहीं बोल सकते, 24 घंटे के अंदर अंदर बोल सकते, बिकॉज आधा आधा टाइम लेके 2 डेज कर लिया बस। एंड बहुत दिनों के बाद इस सीजन में रैंक पुश करो, बिकॉज ऐसा बिजी था पोकेमॉन यूनाइट के जो लीक्स अपडेट्स आ रहे थे उनको लेके, तो पता ही होगा सभी को। एंड इसके वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था रैंक पुशिंग की, तो अभी तो कोई लीक्स एंड अपडेट्स नहीं है इसलिए, बिकॉज मैंने रैंक पुश करना स्टार्ट कर दिया है। एंड ये वीडियो 2 दिन पहले की है, बट मैं 2 दिन बाद अपलोड कर रहा हूँ, देन अभी फ्री हूँ तो दबा के रैंक पुश करेंगे गाइस। सो आप लोगों को ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड लीक्स अपडेट वीडियो चाहिए या रैंक पुशिंग के बारे में कुछ भी अपडेटेड वीडियो या कोई टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को चाहिए, तो जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर देना। एंड सो गाइस फाइनली ओनली लुकारियो मैंने मास्टर रैंक कर लिया है, बट कभी ऐसा होता है ना कि लुकारियो आप फेवरेट कर लो उसके बाद भी आप लोगों को मिलता नहीं है, बिकॉज एपीएस प्रॉब्लम वगैरह डिवाइस प्रॉब्लम होता है, ठीक है। सो मैंने उसके बावजूद भी 36 मैचेस से खेले एंड 42 मैचेस ऑल ओवर सीजन में अभी तक खेला हूं मैं, जिसमें से 36 मैचेस ओनली लुकारियो प्लेड है एंड सोलो खेला हूं, ना कोई हेल्पर वा ना कोई डुओ कोई फ्रेंड था ना कोई टीम था, मेरा पूरा स्लो सोलो मैच था। और सही बहुत मतलब नर्फ हो चुका अभी लुकारियो, देन उसके बाद भी मैंने लुकारियो से किया ट्राई किया सोलो कैरी करने का। एंड ये लुकारियो से ना अभी नर्फ होने के बाद थोड़ा सा टीम कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, पहले जैसा अभी नहीं रहा। देन उसके बाद भी मैंने एक्सट्रीम स्प्रेड ही यूज किया है, क्योंकि जो नर्फ हो जाए ना उसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने के अलग ही मजे होते हैं गाइस। एंड इस वीडियो पे मैं कौन सा बिल्ड यूज कर रहा हूँ वो भी बताऊंगा, सो आप लोग कमेंट करके बताना मैं लुकारियो से कंटिन्यू करूं या कोई दूसरा पोकेमॉन में देखू, बिकॉज मेरा दोनों आईडीज है। आप चाहो तो एक में लुकारियो से एकदम से पूरा सीजन के एंड तक पुश करेंगे और एक आईडी से अलग अलग पोकेमॉन से रैंक पुश करके ट्राई कर सकते हैं, बट मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा उसके लिए, तो समझ सकते हो यार। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे क्या करना चाहिए। एंड आई होप कि मतलब और 2 डेज रह गए, मतलब संडे होगा तो मेरा वीक मेरे हिसाब से ये वीक एंड हो गया, तो वो 2 दिन के अंदर मैं ट्राई कर रहा हूँ। मेरा अभी पॉइंट चल रहा है 1200 के ऊपर, ठीक है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 1400 पॉइंट कम से कम हो जाए, मैं ट्राई कर रहा हूँ अकेले, ठीक है। देन बस ऐसा ही ट्राई था एंड देखते कि हो पाता है कि नहीं हो पाता। और गाइस ये बताओ तो सोलो खेलने के लिए जस्ट परफेक्ट टाइम चाहिए होता है, बिकॉज आप लोगों को पता ही होगा कि सोलो खेलने के लिए परफेक्ट टाइम क्यों चाहिए होता है, बिकॉज अभी रात को आप रैंक पुश करने लग जाओगे तो भाई पे टीम वाले बंदे आएंगे, फुल टीम आएंगे, बाहर के बंदे आएंगे। अब सोलो कैरी बहुत बहुत हार्ड वाला मुश्किल है, आप कहीं भी स्टील भी कर लिए तब भी मुश्किल है आपके लिए सोलो कैरी करना। इसलिए मैं बताऊंगा कि 4 PM से गाइज आप लोग 8 PM तक रैंक पुश करने का ट्राई करो। मैं खुद कर रहा हूँ बिकॉज मुझे अच्छा वाला रिजल्ट मिल रहा है, मुझे अच्छा खासा प्लस मिल रहा है। मैंने 2 दिन बस ये 4 से 8 बजे से पुश किया, 2 दिन में मैंने मास्टर कर लिया। वेटरन में 2 पे था बिकॉज लाइव स्ट्रीम में थोड़ा बहुत मुझे माइनस लगे थे इसलिए। एंड गाइज अभी जो मैच देख रहे हो इसमें फुल टीम अगेंस्ट आया था, फिर भी हम लोग खेल रहे थे बहुत थोड़ा बहुत, बिकॉज ये लोग ऊपर नीचे करके डोमिनेट कर रहे थे, हम लोगों को ट्राई कर रहे थे, बट मैंने उन लोगों को पहले से ही लेवल अप करने का चांस नहीं दिया। और यहाँ पे एप्सोल जो कि है बहुत बढ़िया गेम प्ले मेरे साथ कर रहा था, बिकॉज मुझे इसका तो स्क्रीन मतलब समझ सकते हो, रईस बंदे यार, रईस बंदे, पैसे बहुत हो रहे। एंड लुकारियो का जो बिल्ड में यूज कर रहा हूँ गाइज वो है मसल बैंड, फोकस बैंड, अटैक वेट, बिकॉज गाइज देखो लुकारियो का
गोल करने के लिए बेसिकली कोई स्कोर शील्ड गोल गेटर जरूरत नहीं होती। आप लोग कमेंट में एक चीज बताना गाइस कि क्या आप लोगों को हाउ टू लुकारियो परफेक्ट वीडियो, मतलब हाउ टू लुकारियो यूज परफेक्टली यूज, आप लोगों को ऐसे टाइप कोई वीडियो चाहिए या एक्सट्रीम स्पीड कैसे चलाते हैं, कैसे बोनर्स यूज करते हैं, कैसे एक्सट्रीम स्पीड और क्लोज कॉम्बैक्ट जो कॉम्बो है वो यूज करते हैं रैंक पुशिंग लॉबी में, आप लोगों को ये सब बारे में मतलब कोई भी एनीथिंग रैंक पुशिंग की कोई भी बारे में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट डाउन करो, मैं ट्राई करूंगा जितना जल्दी हो सके आप लोगों के लिए लाने के लिए। एंड जिस वीडियो के टॉपिक के ऊपर सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे वही टॉपिक मैं सबसे जल्दी लेके आऊंगा। एंड इस मैच के अंदर देखूंगा तो सोलो मतलब ये मैं अकेला खेल रहा था तो टीम का सपोर्ट करके खेलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा गाइस। आप देखो आप सोलो खेलो सही है बट आप लोग ट्राई करना कि टीम के साथ जुड़े रह के खेलने के लिए, बिकॉज देखो ऊपर नीचे आप ड्रेडनो के टाइम पे ड्रेडनो लोगे, सेंटर के टाइम पे सेंटर पे रहोगे या ऊपर जाके रोटम लोगे सही है, लेकिन आप लोगों ने टाइम से टाइम मतलब उन लोग पीछे रह के नहीं खेला या उन लोगों के साथ नहीं खेला आप लोगों ने, मतलब आप लोग नहीं खेलोगे तो बिकॉज आपका ही लास्ट में माइनस आप लोगों की लगेगा। आपने लास्ट में जैपडो स्टील कर लिया उसके बाद भी आप लोगों को माइनस लगेगा बिकॉज आपका तो पूरा टीम मर चुका है ना, आपने उसका कोई हेल्प ही नहीं किया उसके बाद मर गया। हाँ कभी कभी ऐसा हो सकता है पूरा आपका टीम डेड है, ओपोनेंट टीम है अकेले और तुम अकेले बच गए हो, हाँ तभी छुप के स्टील कर सकते हो तभी के लिए, बट उसके बाद नहीं गाइज। आप ट्राई करो हमेशा सोलो हो तो क्या हुआ, रैंडम के साथ भी एक साथ खेलने का ट्राई करो। आई नो दैट सभी बफ चुराने का ट्राई करते हैं बट स्टिल आपको आपके जैसा तो खेलना तो पड़ेगा, नहीं तो आप तो कुछ नहीं कर पाओगे सोलो कैडी पुशिंग में, बिकॉज मैं भी एक सोलो पुशर हूँ और मेरे को कोई ना टीम ना कोई सपोर्ट वगैरह अच्छा खासा मिलता है, और मिला भी तो डिस्कॉर्ड से बंदे में उठाऊंगा तब भी कोई फायदा नहीं बिकॉज टीम कोऑर्डिनेशन वो बिठा नहीं पाएंगे मेरे साथ मैं जैसा खेलता हूँ, बहुत टाइम भी लगेगा एंड उसके ऊपर मेरा फोन भी लैग करता है डिस्कॉर्ड यूज कर दो। देन गाइज ऐसा ही सीन चल रहा है बस सोलो रैंक पुशिंग में। एंड ये जो लुकारियो का गेम प्ले देख सकते हो आप, मैं बहुत होल्ड करके अभी देखोगे तो मैं बहुत होल्ड करके खेल रहा हूँ लास्ट में, एंड यहाँ पे देख सकते हो एजेस स्लैश ने मेरे को अच्छा खासा डैमेज दिया और ये जो एजेस स्लैश है गैस इतना स्टन कर रहा था, फिर मैंने एक किल निकाल लिया उसके बाद मैंने ट्राई किया एंड उसके बाद देख सकते हो मेरा एचपी कितना ज़्यादा डाउन था गाइस। एक बार मेरा एक्सट्रीम स्पीड आ जाता या क्लोज कॉम्बैक्ट आ जाता गाइस तो मैं यहाँ पे तीनों बंदों को आराम से ढेर कर सकता था, बट कोई नहीं यार ऐसा कभी कभार हो जाता है। एंड यहाँ पे इस मैच की तरफ नज़र रखते हैं, अभी रोटम पुश हो रहा है, अभी देखो मुझे डिसाइड करना है मैं रोटम पे जाऊँ यार नीचे जाऊँ, बिकॉज मैंने देखा रोटम के साइड एप्सॉल है तो मुझे नीचे जाना चाहिए था क्योंकि मुझे अभी देखो लेवल अप इतना भी नहीं हुआ है, अभी 3:26:20 के अराउंड अभी रह गए मैच खत्म होने के लिए, बट मुझे अभी भी और लेवल चाहिए बिकॉज ज़ैपडॉस आने से पहले ना आपको लेवल 13 होना बहुत ज़रूरत है, आप लेवल 13 नहीं होगा। और यहाँ पे देख सकते हो टैलेंट आई थी बट टैलेंट मेरे को देख के अभी निकल गई है, एंड यहाँ पे देख सकते हो अभी क्या कर रहा हूँ मैं, अभी सिंपल से बफ कर रहा हूँ एंड यहाँ पे टैलेंट आके थोड़ा सा परेशान करते हैं, अभी देखते हैं टैलेंट को क्या कर सकते हैं एंड टैलेंट को 1 HP से पूरा टेक डाउन कर लेते हैं। सीधी सी बात है गाइस देख के खेलो, आप लोगों का जो 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 भी पोकेमॉन है उनका मूव सेट परफेक्टली यूज़ करना सीखो, आप मुझे बताओगे तो मैं उसका परफेक्ट यूज़ करके मैं वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे करते, बट स्टिल बहुत इजी गेम है, मोबा गेम है, मैं बहुत पहले से मोबाइल लेजेंड खेलता हूँ जिन हिसाब से मुझे थोड़ा बहुत आता है। अभी देखो फिर से टाइम फ्रेम आ गया और मेरे को यूनाइट मारने का ट्राई किया बट मैंने एक्सट्रीम स्पीड से उसका यूनाइट लगभग डॉच कर दिया, हाँ पूरा डॉच नहीं कर पाया थोड़ा सा लग गया था मेरे को क्रिट बट मैंने लगभग डॉच कर दिया। अभी यहाँ पे ड्रेडनो आने वाले तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत छुपा बैठा हूँ बिकॉज 9 स्टेल तो छुपा नहीं रह सकता एंड 9 स्टेल में जब यूनाइट मारी तब मैंने उसका हेल्प करना सही समझा, बिकॉज देखो अब इसका हेल्प मैं नहीं करूँगा तो गलत सीन हो जाएगा, दो बंदे बच के निकल जाएंगे और यहाँ पे मेरा एक्सट्रीम स्पीड भी सही सेट नहीं हो रहा था और उसके ऊपर एजेस स्लैश मेरे को डैमेज देने का ट्राई कर रहा था, मैं यहाँ पे क्लोज कॉम्बैक के साथ एजेस स्लैश को फिनिश कर देता हूँ आराम से, यहाँ पे 2 किल्स मैं अकेले ले जाता हूँ एंड यहाँ पे फिर से मैं छुप जाता हूँ बिकॉज बहुत ही जल्दी ना ड्रेडनो आने वाले थे बट मैंने सही से देखा तो ड्रेडनो की जगह जैपडॉस भी बहुत ही जल्दी आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया मैंने सोचा थोड़ा सा एचपी वगैरह नहीं है बट मैं गोल करने का ट्राई करता बिकॉज मुझे गोल करना था, गोल में करने अभी नहीं गया तो मैच का एंड में बहुत खतरनाक स्कैम हो जाएगा, मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे गोल करने के लिए एंड मैं यहाँ पे छुपा बैठता हूँ बिकॉज आप लोगों को भी ऐसा करना चाहिए, सोलो खेल रहे हो तो आपको टीम हिसाब से आपका टीम बीच में सेंटर में है तो आप अकेले हो एंड एरिया पूरा खाली सा है तो आप कर सकते हो, बट यहाँ पे टैलेंट प्लेयर मेरे को परेशान करने लग जाता है एंड यहाँ पे समझ सकते हो यार नहीं होता, यहाँ पे फिर से ये टैलेंट प्लेयर भी भाग जाता है एंड यहाँ पे यूनाइट भी चला देता है एंड मैं सोचता हूँ यहाँ पे यूनाइट चलाओ बट मेरा जो यूनाइट है गाइज वो सही से टैलेंट फ्लेम पे वो लगता नहीं बट यहाँ पे डिसाइड हुआ को लगता है एंड मैं यहाँ पे 4 बंदे ऑलरेडी यहाँ पे 3 बंदे ढेर हो चुके थे, 2 बंदे यहाँ पे ढेर हो चुके थे और 2 बंदे सेंटर में शायद से ढेर हो गए एंड यहाँ पे इजीली मैं 50 का गोल कर लेता हूँ एंड मैं सोचता हूँ थोड़ा और ज़्यादा गोल करने का बिकॉज सेंटर मैं कर ही सकता हूँ बट मैंने सोचा नहीं चलो एचपी बहुत ज़्यादा कम है मैं सेंटर पे जाता हूँ इससे अच्छा खासा मैं तो कर पाऊँगा बिकॉज सेंटर में मेरा टीम लेना स्टार्ट करेगी तो मुझे हेल्प करना पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे एक
मेरे एक डैमेज और यहाँ पे आ जाते बंदे लोग एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्राई करता हूँ मैं। यहाँ पे डिसाइड हुआ को लगभग ले लेता हूँ एंड यहाँ पे एजेस स्लैश को लेने की ट्राई करता हूँ। अभी तीनों बंदों को अकेले ले लिया मैंने लगभग एंड उसका तो किल मुझे नहीं मिला। एंड यहाँ पे मैंने लुकाडियो ओपोनेंट टीम का जो लुकाडियो था गाइस उसने यूनाइट चला के स्ट्रीम सील कर लेता है। बट मेरा मैंने जो सेंटर पे हेल्प किया है डिसाइड हुआ एजेस स्लैश को मार के उसके वजह से पाँच बंदे ढेर हो चुके थे एंड आपका पूरा टीम यहाँ पे गोल करने जा सकता था। एंड यहाँ पे देख सकते हो तो मेरा 14 का असिस्ट है और 13 किल मैं कर चुका हूँ एंड ऑपोजिशन टीम सरेंडर कर चुका है ऑलरेडी। सो गाइस मैं बताना चाहूँगा ये ऐसे करके गेम प्ले खेलो और आई होप आप लोगों को ये सारे जो वीडियोस में डालता हूँ आप लोगों को पसंद आती है। वीडियो पसंद आती है तो जरूर से लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब वीडियो करने सारी वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। एंड मिलते हैं किसी एक नया वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस।